नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी यादव, आपके अपनी डाइटिशियन कम फ्रेंड। और आज हम बात करेंगे सूरजने की फली के बारे में। सहजन भी बोलते हैं उसको, ड्रमस्टिक्स भी कहते हैं, मुनगा भी कहते हैं कुछ लोग। दोस्तों, ये मौत को छोड़कर सभी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकती है। इसमें इतनी ताकत होती है, इसका फल, इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़, सब की सब रामबाण है दुनिया की ढेर सारी बीमारियों के लिए दोस्तों। और ये जो पेड़ होता है, ये बहुत ही कम पानी में आसानी से लग जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात होनी चाहिए कि इंडिया से ही ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बेसिकली ये जो है उत्तर भारत में मिलता है और पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। और ये भोजन में भी लोग बहुत यूज़ करते हैं, लोग इसको सांभर में डालते हैं, लोग इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा यूज़ है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, सूरजने की 100 ग्राम की सूखी हुई पत्तियों में दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन मिलता है, गाजर से 10 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन मिलता है, जो कि आँखों के लिए, आपके स्किन के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। सूजने की फली में केले से 3 गुना ज़्यादा पोटेशियम है और संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है दोस्तों। जितनी भी मौसमी बीमारियां होती हैं, सूजने की ये फली आपको उनसे छुटकारा दिला सकती है। अगर आपका पेट खराब है, तो इसमें इतने ज़्यादा फाइबर्स होते हैं जो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सूजने की ये फली पेट में कीड़े और जीवाणु जिसको हो जाते हैं, उनसे भी मुक्ति दिलाती है दोस्तों। सूजने की फली वज़न घटाने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, सूजने की फली में एंटी इन्फ्लाम इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जैसा कि अदरक में पाए जाते हैं, जो कि बॉडी से सूजन को, स्वेलिंग को कम कर देती है। तो दोस्तों, फाइबर से भरपूर ये जो आपके पास सूजने की फली है, ये आपकी स्वेलिंग भी कम करेगी, वेट भी लॉस करेगी दोस्तों। जो महिलाएं दूध पिलाती हैं, मतलब जो महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके लिए सूरजने की फली एक बहुत ही अच्छी औषधि है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात कि ये कमज़ोरी और थकान से भी महिलाओं को बचाती है। सूरजने की फली एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर ड्रग है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये लीवर, फेफड़े और गर्भाशय के कैंसर से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सूरजने की फली एक बहुत अच्छा हेयर टॉनिक है। जी हाँ दोस्तों, इस सूरजने की फली में जिंक, विटामिन और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि कैरोटीन बनाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये आपका एक अच्छा हेयर टॉनिक है, नेचुरल और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का। जितनी भी स्किन से संबंधित समस्याएं हैं, एक्जिमा है या फिर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, आपको अगर कहीं सूरजने की फली का ऑयल मिल जाए, तो वो आप लगाइए। ये तेल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये एंटीऑक्सीडेंट से रिच होगा, विटामिन से रिच होगा और इससे जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, ये सब रिमूव हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा और कितना असरदार है सूरजने की फली का ये ऑयल। दोस्तों, आप अगर सहजन यानी सूरजने के फूलों की चाय बनाकर सुबह सुबह मॉर्निंग में पीते हैं, तो इससे आपका यूरिन इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, यहाँ तक कि हाइपरटेंशन, अस्थमा और रिमेटाइड अर्थाइटिस भी ठीक हो सकता है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्ती, फूल, जड़ सब के सब आयुर्वेदिक औषधि की भरमार रखते हैं दोस्तों। एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए सूजने की फली बहुत अच्छी है, पर उनको दो चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहला, सहजन की फली की छाल, और दूसरा, सहजन की फली के जड़ से बने जो भी पदार्थ हैं, उनका उन्हें सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था सूरजने की फली, सहजन, मुनगा, इन सब का पूरा आयुर्वेदिक ज्ञान जो मैं जानती थी, जो मैंने सब जगह से पढ़ा, जितने रिसर्च आर्टिकल से पढ़ा। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा, और ये भी कोशिश करना चाहूँगी कि आप अपनी डाइट में इसे ऐड करें, क्योंकि आज ये हमारे इंडिया का सुपर फूड है। जी हाँ, ओट्स नहीं,
हमारा सुपर फूड है ये सूरजने की फली। अपना ध्यान रखिएगा, इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।